एक जनपद एक उत्पाद के तर्ज पर प्रदेश सरकार एक जिला एक विशिष्ट खाद्य पदार्थ योजना के तरफ बढ़ रही है और इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार ने गोरखपुर जनपद के लिए सुनहरी शकरकंद को चुना है, जिसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि शकरकंद को एक नई पहचान देने के लिए फरवरी माह में शकरकंद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सीडीओ ने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के लिए शकरकंद की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसान शकरकंद की खेती करके उचित लाभ अर्जित कर सके और शकरकंद जनपद के खाद्य पदार्थ के रूप में अलग पहचान बना सके। जबकि झांसी से आए गौरव गर्ग ने शकरकंद के व्यंजनों के लाभ के संबंध में जानकारी दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गौरव गर्ग और मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, और हम सुनहरी व्यंजन ऐसे व्यंजन बनाए जो गोरखपुर जिले के हर एक रेस्टोरेंट और होटल के टेबल कार्ड पे बना रहे ताकि जाए तो शकरकंदी के कोशिश हो रही है कि वो आए और लोगों को सिखाएं कि हम शकरकंदी से किस तरह के व्यंजन बना सकते हैं। इसमें पूरा सहयोग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का है, साथ में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। जैसे यहाँ पे ODOP सर ने बताया, हमारा ODOP प्रोडक्ट टेराकोटा है। हम प्रमोट कर रहे हैं कि जो हम शकरकंदी की डिशेस बनाएं उसको हम अपने टेराकोटा के बाउल्स में सर्व करें ताकि यहाँ पे वो रोजगार और पैदा करें। कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई, कमिश्नर साहब जो गोरखपुर के कमिश्नर साहब हैं उनका कहना ये था कि उसको बढ़ावा देने के लिए हम इसमें 10x या 20x इसका इजाफा करेंगे। किसानों को हम जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है या जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की उन सबको मुहैया कराएंगे ताकि और लोग शकरकंदी का उत्पादन कर सकें और हमारे ज़िले में उस चीज़ का प्रमोशन। जी, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। सरकार का कहना ये है कि हम हर शहर में उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बल दें जो चीज़ का प्रोडक्शन आज बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हमको लखनऊ में ACS साहब ने, मनोज सिंह जी ने बताया कि शकरकंदी एक ऐसी चीज़ है जो चाइना, वियतनाम, मलेशिया, हमारा अमेरिका, बहुत सारे देश इम्पोर्ट करते हैं और आज की डेट में वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो उड़ीसा से हो रहा है। और जो हमारे यहाँ का तापमान है, हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो यहाँ के लिए शकरकंदी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने के साथ साथ हम एक्सपोर्ट पे भी बल दे रहे हैं कि हम कैसे इस शकरकंदी के थ्रू जो हमारा किसान है उसको हम और बल दे पाएँ और वो अच्छी इनकम दे पाएँ। तो इसलिए शकरकंदी को चुना गया गोरखपुर रीजन के लिए। सर, अभी तक देखा जाए तो किसानों का ध्यान इस पर नहीं था कि इससे हम पैसा कमा सकते हैं या आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। अक्सर इसको नली किनारे बलुई मिट्टी में बालू में लोग ऐसे लगा देते थे, तो क्या अब इसके लिए अलग से खेती की जाएगी, कोई प्रोत्साहित किया जाएगा, इनको कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी, किसानों को बताया जाएगा, इस तरह का भी योजना है? सो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिला प्रशासन की मदद से कुछ वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करेगा जहाँ पर लोगों को इसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कमिश्नर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि वो वहाँ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स को बढ़ावा दे पाएंगे। DM साहब ने आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे फेस्टिवल से पूरे इंडस्ट्री को जोड़ पाएंगे कि जहाँ पे खपत हो पाए, जिससे उसका लाभ हो पाए। सो अच्छी चीज़ ये है कि जब पूरा प्रशासन साथ में है तो किसानों को डेफिनेटली उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन इसमें जो है कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को जरूर प्रमोट करें जो हमारे फूड हैबिट से लिंक हो और हेल्दी हो और जिससे किसानों की जो आय है या उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिल सके, आर्थिक गतिविधियां बढ़ सके। और शकरकंद में जो हमारे गोरखपुर को चूज़ किया गया है, इसका हम लोग आने वाली फरवरी में 15-16 या इसके आसपास एक महोत्सव मनाएंगे जिसमें होटल्स, रेस्टोरेंट्स और जो हमारे जो महिलाएं हैं घरों में उनको भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि इसकी कंजम्पशन बढ़ सके और उसके रिलेटेड जो किसानों को जोड़ा जा सके ताकि इसकी प्रोडक्शन बढ़ सके और उनकी आय बढ़ सके। सर, अभी तक देखा जाए तो सीजनली सीजन में उपलब्ध आता है और त्योहारों में लोग यूज करते हैं इसको और मार्केट में भी कम ही दिखाई देता है, त्योहार में दिखाई देता है, तो कितना उत्पादन है इसका जनपद में और किस तरह बढ़ाएंगे? जो अभी जो उत्पादन है वो इसका जो है अभी जो उत्पादन देखेंगे तो हमारे एक ही रीजन में हो रहा है जो सरयू नदी के आसपास है, लेकिन वो सीजनल है और इसलिए नहीं करते क्योंकि जो कंजम्पशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैसे हम बढ़ाएंगे तो इसका एरिया भी बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ DD एग्रीकल्चर भी है, DD हॉर्टिकल्चर भी है जो इसको पूरा किसानों को FPO बना के भी जोड़ रहे हैं और डायरेक्ट हम लोग कनेक्ट कराएंगे जहाँ पे इसकी कंजम्पशन है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ताकि जो किसान है उनकी इनकम को बढ़ा सके।
सर, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करेंगे? किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग किसानों को इसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और नई जो सुनहरी शकरकंद है वो भी इंट्रोड्यूस करेंगे। सुनहरी शकरकंद में बीटा कैरोटीन है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, और जो नॉर्मल शकरकंद है वो डायबिटीज का फूड है, दोनों ही ऐसे हैं, तो वो वैराइटीज़ हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और ऑलरेडी हमारे जो दो किसानों को हमने दिया भी है, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें काम कर रहे हैं। सर, इसको बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रतियोगिताएं भी आयोजित करने का? हाँ, इसी महोत्सव में हम लोग अलग अलग तरह की प्रतियोगिता करेंगे, जिसमें कल्चरल भी होगी और ये जो कलनरी है इसमें भी हम लोग जोर देंगे, ताकि लोग अपना टैलेंट दिखा सकें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकें।